डियर स्टूडेंट्स द टॉपिक विच वी आर गोइंगस इज मैनेजमेंट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ हेयर वी हैव टू डि टीम वर्क अप्रोच टू प्रमोटिंग सेफ्टी अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेफ्टी को प्रमोट करना चाहते हैं तो इट इज़ नॉट इंडिविजल रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीम वर्क टीम वर्क के अंदर जिन लोगों की हमें रिक्वायरमेंट है उसमें नंबर वन सपोर्टिव एनवामेंट है अगर हमें अनवायरमेंट स्पोर्ट ना करे तो कभी भी आर्गनाइजेशन के अंदर सेफ्टी के रिलेटेड जितने भी मामला हैं उनको मैनेज नहीं किया जा सकता है सेकेंड टीम प्लेयर स्किल हर इम्प्लाई के अंदर टीम प्लेयर का स्किल्स होने चाहिए ताकि वो कोलेबरेटिव एफर्ट करके आर्गेनाइजेशन के गोल अचीव कर सके और उसके साथ साथ आर्गेनाइजेशन के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को एसन तरीके से टैकल कर सके रोल क्लैरिटी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी क्लियर बाई इंडिविजुअल्स हर एक एम्प्लॉय की जो रिस्पांसिबिलिटी है वो उसको क्लियर होनी चाहिए उसको ये भी क्लियर होना चाहिए कि उसने किसको रिपोर्ट करनी है कब रिपोर्ट करनी है कैसे रिपोर्ट करनी है इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी हाउ ही शी विल हैंडल द सिचुएशन इसको हम लोग रोल क्लैरिटी बोलते हैं क्लियर डायरेक्शन टीम एबिलिटी इन तीन पॉइंट्स का तल्लक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ है वो है जॉब डिस्क्रिप्शन अगर एम्प्लॉ की जॉब डिस्क्रिप्शन लिख के उसको दी गई है और उसको मालूम है कि उसने कब कौन सा काम करना है किसको रिपोर्ट करना है कब वो है किस चीज़ के लिए आनस्टेबल है तो इस टीम एफर्ट की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस के हेल्थ और सेफ्टी को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं परसुएशन आ प्रमोशनल टूल आर्गेनाइजेशन के अंदर जब तक एम्प्लॉ को परसुएड ना किया जाए चीज़ को प्रमोट ना करें उस वक्त तक हेल्थ एंड सेफ्टी के इशूज़ अच्छे तरीके से टैकल नहीं हो सकते फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्टिव कम्युनिकेशन रिसेप्टिव कम्युनिकेशन प्रोजेक्टिव कम्युनिकेशन और रिसेप्टिव कम्युनिकेशन का ताल्लक है डी स्टूडेंट्स एक पॉइंट के साथ और वो पॉइंट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहे कम्युनिकेशन का फ्लो इनवर्ड है आउटवर्ड है हरीजेंटल है वर्टिकल है इन सब केसेस के अंदर आर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ को मालूम होना चाहिए कि कौन सा बंदा किस वक्त किस को इनफॉर्म कर रहा है और किस को इन्फॉर्म करेगा इस तरह आर्गेनाइजेशन के अंदर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से कम्युनिकेशन का एक अच्छी हयात की डिवेल्प की जा सकती है और आर्गनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉज़ हैं उनको मालूम होगा कि उनका सबॉर्डिनेट कौन उन है सुपरवाइज़र कौन है बॉस कौन है टू होम दे हैव टू रिपोर्ट इस तरह से आर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉज को प्रसवेड किया जा सकता है कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी को बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सके प्रमोटिंग ऑफ द जॉब सेफ्टी देखिए स्टूडेंट्स ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं ऑफ द जॉब और ऑन द जॉब ऑन द जॉब का ये मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे जॉब पे मौजूद हूँ और यहाँ पे जो सेफ्टी मुझे रिक्वायर्ड है ये ऑन द जॉब है ऑफ द जॉब का मतलब है कि आई एम नॉट परफॉर्मिंग माई ड्यूटी आई एम आउट ऑफ माई जॉब बट आई नीड सेफ्टी अगर मुझे सेफ्टी रिक्वायर्ड ना होती या मुझे कोई प्रॉब्लम पेश आ जाती है तो वो एम्प्लाई चाहे ऑफ द जॉब पे ही उसे को प्रॉब्लम है इंजर्ड हो गया है लेकिन जब वो जॉब पे आएगा तो अपने जॉब सही परफॉर्म नहीं कर सकता इसको हम लोग ऑफ द जॉब सेफ्टी बोलते हैं प्रमोटिंग ऑफ द जॉब सेफ्टी सिर्फ हम लोगों ने इम्प्लॉ को ऑफ द जॉब सेफ नहीं रखना बल्कि उसको प्रमोट करना है एजुकेट करना है उसको टीच करना है कि किस तरह से वो ऑफ द जॉब सेफ्टी को इन्श्योर करे फॉर एग्जाम्पल अ वैल्यूएबल एम्प्लॉ हु इज इंजर्ड ऑफ द जॉब इट्स स्टिल जस्ट एज इंजर्ड एंड अन अवेलेबल फॉर वर्क एज वन हुज़ हर्ट ऑन दॉब अगर एक एम्प्लॉई ऑफ द जॉब हर्ट होता है या उसे कोई प्रॉब्लम पेश आती है वो उसी तरह है जैसे ऑन दॉब है ऑन द जॉब एम्प्लॉ कोई प्रॉब्लम पेश आती है वो जॉब परफॉर्म नहीं कर सकता उसी तरह अगर इम्प्लॉई को ऑफ द जॉब प्रॉब्लम पेश आती है तो वो भी अपनी जॉब पर आके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफार्म नहीं कर सकता तो इस तरह हमें इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं promoting of the job safety.